हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानते हैं एक और नई जानकारी के बारे में। दोस्तों, बुखार में झटके आना बच्चों को यह सामान्य है या फिर नहीं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। कई बार तेज़ बुखार की वजह से बच्चों को झटके आ जाते हैं। इसमें बच्चा आँखें पलटा कर अकड़ सा जाता है। यह झटकों का सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रकार होता है। ये झटके जो होते हैं वह अमूमन 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को सिर्फ बुखार के साथ ही आते हैं और पूरे शरीर में होते हैं। ये बुखार के पहले 2 दिन में और 24 घंटों में एक बार ही होते हैं। ये झटके 15 मिनट से ज़्यादा भी नहीं होते हैं। इन झटकों के बाद लंबी बेहोशी या पैरालिसिस नहीं होता और बच्चे कुछ देर में सामान्य हो जाते हैं। यानी कि इस तरह के जो झटके आना होता है, इसमें आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है। इससे इन झटकों से बच्चों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है और ना ही लंबे समय तक रोज़ दी जाने वाली दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, 5 वर्ष की उम्र के बाद बतौर इस तरह के झटके नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में यदि झटके आते हैं तो जो दवाइयाँ इन्हें दी जाती हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रकार के झटकों में सीटी स्कैन या एमआरआई जैसी महंगी चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, इसके लिए आपको एक बात का और ध्यान रखना होता है कि डॉक्टरी सलाह से ही दवा जो होती है वह बंद करनी चाहिए। झटकों को तुरंत नियंत्रित करने और मिर्गी को ठीक करने के लिए आजकल बहुत सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित होती है। अधिकांश मामलों में इन दवाओं को 2 से 5 वर्ष तक के लेने की ज़रूरत होती है और कई बार डॉक्टर इन्हें आजीवन दवा देने की भी सलाह देते हैं। अगर इन्हें आजीवन भी लेना पड़े तो भी आपको घबराने या हिचकिचाने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी दवा किसी भी स्थिति में आप डॉक्टर से बगैर पूछे बंद नहीं करें, और यदि यह स्थिति आपको सामान्य नहीं लगती है तो आप डॉक्टर से सलाह लेना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि किसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।